हम खुशी तब तक नहीं रह सकते जब तक हम किसी को और कोई हमसे खुशी नहीं रहता है। हमारे देश में कई महापुरुष हुए हैं जिनके उपदेशों, अनमोल वचन और सुविचार के माध्यम से हम अपने जीवन में खुशी के पल निकाल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित है। एक बार की बात है, एक गांव में स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। वहां उनसे मिलने के लिए गांव के तरह तरह के लोग आ रहे थे। कुछ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वामी जी से मिल रहे थे तो कुछ मन के शांति के लिए मिल रहे थे, और सभी लगभग खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे थे। तो अभी स्वामी जी से मिलने के लिए गांव का सेठ आया और उसने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी मन को खुश कैसे रखें। स्वामी जी ने भी उससे पूछा कि आपने कभी बर्तन धोए हैं। उसने उत्तर दिया, जी स्वामी जी। स्वामी जी ने दोबारा पूछा कि भोजन अच्छा बनाने के लिए बर्तन अंदर ज़्यादा साफ रखना चाहिए कि बाहर। उसने तुरंत उत्तर दिया कि अंदर। स्वामी जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमें मन को शांत और खुशी रखने के लिए बाहर की अपेक्षा अंदर ज़्यादा साफ रखना चाहिए, तभी हमारा मन शांत और खुशी रहेगा। यदि हमारा मन शांत और खुश है तो हम बड़ी सहजता के साथ किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं और हमें उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। एक कोट है, सफलता तब नहीं जब आप बिना मन के किसी कार्य को करते हैं और उसमें सफल होते हैं, बल्कि सफलता तब है जब आप असफल होने पर भी पूरे मन के साथ अपने कार्य को करते हैं।